अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? ठीक हो? अंजुम चैनल में आप सबका वेलकम है। आज का मेकअप आपने मेरा देखा, आपका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मिरर की कुर्ती मैंने 2 पीस बाय की है न्यू आपके लिए, और इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी। और आज का मेकअप आपको हेल्पफुल लगे, मतलब मैं जो मेकअप करूँगी आपको अच्छा लगे या थोड़ा समझ में आए, तो यहाँ पे रेड बटन है बेल का, उसको प्रेस कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। और मेरा मेकअप आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो फ्रेंड फाइनली मेरी ड्रेस ये है, इसके ज़्यादा मैं ज़ूम नहीं कर सकती। और आज का मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और लड़कियों अपना ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, सर्दी आ गई है और कोरोना आ गई है, तो थोड़ी बहुत अपनी केयर भी करें, थोड़ा फ्रेंड से मिले जुले बिल्कुल उनका भी ख्याल रखें, लेकिन थोड़ा फासला करके, ठीक है फ्रेंड। आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने, मतलब पहले मैंने स्किन को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, मॉइस्चराइज़र कर दिया है फ्रेंड। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे प्राइमर। मैं अपने चेहरे पे सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये सिल्क वालों का है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास सिल्क वालों का है, वो अपने चेहरे पे अप्लाई करूँगी। काफ़ी बंदों को पता नहीं होता तो मेकअप कैसे करे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करे, आज की वीडियो इसकी तरह है, मतलब आपको बताएंगे। तो फर्स्ट कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, उसके बाद कौन सी नहीं अप्लाई करनी, और क्या क्या मेकअप में ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे को भी पहले पता नहीं होता था तो क्या चीज़ लगाएं। मेकअप तो लेके आके घर में रख लेती थी, लेकिन यूज़ कैसे करते हैं उस काफ़ी बंदों को ये पता नहीं होता, और किस किस टाइम या किसको ज़्यादा मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं कि किसको अलग से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड मैंने चेहरे पे सीरम यूज़ कर दिया है और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद आती है प्रेमा की बारी। भले सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आप प्रेमा तो मस्त यूज़ करें, क्योंकि ये आपके पोर्स को ओपन हुए होते हैं उनको बंद कर देता है, और आपके वेस या मेकअप जो भी बेस केक लगाओगे या स्टिक लगाओगे उसको सेट अच्छी तरह करेगा। अच्छा, तो फिर इसको मैं सेट कर लूँ। कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे अप्लाई करें तो उसको ऊपर की तरफ करना है, जितना आप ऊपर की तरफ करोगे आपकी स्किन ग्लो करेगी, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया है मेरा, तो ये देखिए इसको भी सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम। हर बंदे को हर चीज़ इंजॉय करके करनी चाहिए, ऐसे नहीं आज मूड नहीं है तो फिर भी मेकअप कर लिया। और जैसे होता है ना, हर चीज़ का आप शौक रखोगे करने का तो आपको अच्छे आएगा, मेरे से भी अच्छा आएगा। जिस लड़की को मेकअप नहीं आता ना, तो वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकती है, लेकिन शौक की बात होती है और मतलब करने की बात होती है। आज मैं ओरिफ्रेम की बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये वाली। जिसके पास जो भी बेबी क्रीम हो, पॉन्स की, फेयर लवर की, और जिसकी भी बीबी क्रीम हो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन फ्रेंड इसमें मैं थोड़ा सा मिलावट करूँगी। ये बीबी क्रीम उठाइए और इसमें मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल। अगर जिसको अपने चेहरे पे और ज़्यादा शाइनिंग चाहिए तो ये इसमें अपना सीरम जो भी हो वो यूज़ कर सकता है। आज मेकअप बिल्कुल सिंपल होगा, लाइट सा डे है, तो उस हिसाब से
उसके बाद आप ब्लेंडर की मदद से इसको ठप ठप करेंगे, इसको घसीटना नहीं है, ठप ठप करके। आपके पास ब्रश हो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास ब्लेंडर है तो वो भी अच्छा है। और मुझे ये ब्लेंडर इजी लगता है, ब्लेंडर से सेट करना मतलब। अच्छा तो फ्रेंड उसके बाद आती है बारी आईब्रोज की। आपके पास ब्लैक केक हो उससे भी आईब्रोज सेट कर सकते हो, पेंसिल से भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सेट कर सकते हो। पहले मैं नीचे वाली लाइन खींचती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी होता है, उसके बाद ऊपर वाली। अच्छा तो फ्रेंड ब्रश के मदद से आप इसको ऊपर कर लेंगे और सेट कर लेंगे। आपको मेकअप भी अच्छा आना चाहिए, लेकिन फ्रेंड उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। मेकअप भले सिंपल हो लेकिन आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ड्रेस अच्छी होनी चाहिए और मेकअप आपका अच्छा होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका जो हेयर स्टाइल होता है ना, वो आपका लुक ही चेंज कर देता है बिल्कुल। अच्छा तो फ्रेंड मेरी आईब्रो सेट हो गई है। अच्छा तो फ्रेंड उसके बाद बारी आती है फेस पाउडर की। आप अच्छी तरह अपनी नोज पिन के नीचे से आगे से, जिसको नोज पिन लगी हो या अपने चेहरे पे, फेस पाउडर भी जो आपको सूट करे या घर में जो भी अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा तो फ्रेंड ये देखो मेरा सेट हो गया। फ्रेंड आज मैं पेंसिल से ब्लैक कलर सेट करूँगी। ये देखो, अगर कभी कभार आपके पास ब्लैक कलर ना हो तो आईब्रोज जिससे सेट करते हैं ना वो भी मिल जाए ना तो सही है। और बिल्कुल फिश की तरह वी शेप में इसको भी सेट करना है। अगर आपसे सेट नहीं होती तो आप टेप सॉल्यूशन का या इधर से कोई भी चीज़ की मदद ले सकते हो जिससे आपका शेप आ जाए। ये देखो, अच्छा तो फ्रेंड ये मैंने फेस पे सेट कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी पैलेट से शिमर टाइप की, जैसे मेरी सूट पे कढ़ाई है ना उस टाइप का कलर है, वो अप्लाई करूँगी बाकी वाला। ये देखो फ्रेंड, ये दोनों को मिक्स कर दूंगी तो अच्छा लुक आए जैसे मेरे आईज का। इतना मैंने मेकअप अपना ज़्यादा तो तेज़ भी नहीं रखा, लाइट भी नहीं रखा, देह पर थोड़ा इतना रखना है जैसे आपका मेकअप नज़र आए। तो सेट कर लूँ बाकी। ब्रश ब्रश मैंने कहाँ रख दिया। अच्छा तो फ्रेंड उसके बाद ओरिफ्लेम का ब्लू लाइनर यूज़ करूँगी।
तो पेन, उसके बाद ब्लू लाइनर। आपको विंगल चाहिए तो थोड़ा सा बाहर निकालेंगी, और अगर विंगल किसी को नहीं पसंद तो उसको बस कोने पे छोड़ देना है। और इधर से आइस से मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि ये लुक मुझे अच्छा लगता है, इससे आइस मेरी बड़ी नज़र आती है और लुक भी अच्छा आता है। उसके बाद फ्रेंड बारी है मस्कारे की। हमारे पास मस्कारा भी ओरी फ्रेम का ही है, बाकी जिसके पास जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकता है। ये हो गया सेट। उसके बाद बारी आती है सुरमे की, या जो आपके पास लाइनर हो, मेरे पास ये है। के बाद आईज के नीचे से थोड़ा सा मेकअप करेंगे हम, जैसे हमारी आईज लुक अच्छी आए। सुरमे को थोड़ा सा फैला दूंगी लेकिन तरीके के साथ। अच्छा तो फ्रेंड अपने आईज के नीचे मैं यूज कर रही हूँ ये पिंक शेडो। ये देखो फ्रेंड लाइनर हमने ब्लू लगाया है और साथ में इसके मेकअप शेयर किया नीचे आईज वाला पिंक। उसके बाद आती है बारी लिपस्टिक की। मैं यहाँ पे रेड शेड यूज कर रही हूँ, उसके साथ मिक्स करूंगी। ठीक है, मुझे रेड इतना भी कभी मूड नहीं होता तो पसंद नहीं होता, तो फ्रेंड इसके साथ में हुडा की लिपस्टिक है वो मिक्स कर दूंगी। वो लाइट सी ब्राउन सी कलर है, ये देखो हुडा वालों का है लाइट ब्राउन है, लेकिन कौन सा कलर है यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। मुझे डार्क लिपस्टिक फंक्शनों में अच्छी लगती है, जैसे मैं शादी में जाऊं या वलीमे पे जाऊं, लेकिन मैं फ्रेंड के घर या ऐसी आउटिंग पे जाऊं तो उसमें मैं लाइट सी पेंसिल अप लिप पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कलर अगर लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपको इतना इजिप्ट नहीं दिखाता। अच्छा तो फ्रेंड फाइनली लुक मेरा ये है, बाकी मैं अपनी ड्रेस आपको क्रॉप करके दिखा रही हूँ। ये मेरी ड्रेस है, मेरा ये आज लुक है, बाकी दिखा रही हूँ दुपट्टा पहन के। इसके साथ ढाका है और ये टू पीस सूट लिया था मैंने, इसके साथ मैं ब्लैक दुपट्टा भी पहनती हूँ और इसके साथ में इसकी जैसी कढ़ाई है इस तरह का भी दुपट्टा।
अच्छा तो फ्रेंड ये मेरा ड्रेस है, फ्रेंड बाकी मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ। अच्छा तो फ्रेंड ये मेरा सूट है, इसके साथ ढाका है और ये मेरा फाइनल लुक है।